बस ओप्पो के मोबाइल में अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं ये प्रॉब्लम आपको हो रही है या नहीं, बहुत सारे यूज़र को ये प्रॉब्लम हो रही है। उनका फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे चला जा रहा है। मेरे पास अभी ओप्पो A30 फ़ोन है, तो मैं इससे आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं पावर ऑफ कर देती हूँ। ओके, तो बस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि हर सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए इसको अब स्विच ऑन करते हैं। मतलब तो स्विच ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पावर ऑफ वाले बटन और वॉल्यूम प्लस वाले वॉल्यूम माइनस वाले बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ये मोड देखना आ जाएगा रिकवरी मोड नाम से, तो मेरा कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो यहाँ पर जो है कुछ देर हम लोग वेट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका लैंग्वेज पूछे जा रहा है, यहाँ पर मैं इंग्लिश कर देती हूँ। अब यहाँ पर वीप डेटा के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो पिन ऊपर लिखा है उस पिन को देना है। मेरा है 7128, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 7128। उसके बाद ऊपर का जो है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग हो चुका है। अब यहाँ पर इसको ओके कर देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, फ़ोन को जो है रिबूट कर देना है, मतलब फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ होके ऑन हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका फ़ोन खुल जाएगा, ऐसा नॉर्मल प्रोसेस में होता है। लेकिन ये फ़ोन जो है ख़राब हो चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पर बार बार रिकवरी मोड में आ जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फिर से रिकवरी मोड पर आ चुका है। पता नहीं बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। ये जिन लोगों को लग रहा है, तो उन लोगों के लिए बता दूं कि इस फ़ोन को अगर आप लोग ठीक करना चाहते हो तो ये जो है फ़ोन आपको सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ेगा। ये फ़ोन के अंदर की ख़राबी है, आप लोग यहाँ से ऐसे ठीक नहीं कर सकते। तो फ़ोन को अच्छा होगा कि आप सर्विस सेंटर में लेके जाए, वहाँ पर शायद कुछ पैसे लगेंगे, उसके बाद फ़ोन को आप लोग ठीक कर पाएंगे। तो बस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो मिलते हैं एक और धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।